वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मदरसे में पढ़ाई की समय सीमा बढ़ाने पर बोली माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लिया गया है निर्णय। मदरसे में पढ़ाई गई है 1 घंटे की पढ़ाई की समय सीमा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मदरसों में अब होगी पढ़ाई। 1 घंटे समय सीमा बढ़ाने का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने किया है विरोध। मेरठ दौरे पर हैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यह जानकारी दी। 14-15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन डेट को लेकर अभी कुछ वो नहीं हुआ है, तो बड़ी असमंजस की स्थिति है कि सरकार ये भर्ती करेगी भी या नहीं करेगी या कब तक तैयारी है, आप थोड़ा स्पष्ट करने का कष्ट करें। माननीय योगी जी की सरकार में असमंजस नाम का कोई शब्द नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो सबके हित के लिए हो रहा है और बच्चों के हित का तो पूर्ण रूप से ध्यान है हमारी सरकार के लिए। चिकित्सा और शिक्षा, इसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से चिंतनशील हैं और सारे कार्य उनके हित में ही किए जा रहे हैं। लेकिन मैम, अभी तक जो है चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं 10, उनका अपॉइंटमेंट तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में कैसे माना जाए कि भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये अंजाम तक पहुँचेगी? ये बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों का मिलकर बनाने की योजना चल रही है। जैसे ही ये योजना पूर्ण हो जाएगी आपको बताएंगे। मैडम, मदरसा को लेकर के एक निर्णय हुआ है जिसमें जो सीमा है सुबह 9 बजे से बढ़ा करके अब वो 3 बजे तक मदरसे में पढ़ाई होगी, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था के हिसाब से चलती है, किसी की सुविधाओं के आधार पर नहीं चलती जी। ये नहीं है कि मुझे जो सुविधा होगी मैं उस हिसाब से कोई काम करूँगी। जो व्यवस्था है, जो हमारा शिक्षा का सत्र है, उसी आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी। 1 घंटे का जो समय बढ़ाया गया है इसको लेकर के कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमने कहा व्यवस्था में किसी का निजी हित नहीं चलता है। तो और कौन कौन से आप जो है क्या क्या और नई चीज़ें लाने वाली है ताकि और जो है व्यवस्था दुरुस्त हो, खासतौर से मदरसों को लेकर? बच्चों के हित से संबंधित सारी चीज़ें शिक्षा में रखी गई हैं जो समय समय पर आपको बता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है अलंकार योजना, जिसमें 75 वर्ष से पुराने जो राजकीय टकोली उनके पुनर्निर्माण की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन जो मेरठ जनपद में जितने पुराने 75 वर्ष से पुराने राजकीय टकोली हैं उनकी स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। अभी जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें भी कोई सुधार नहीं आया उसके बाद भी। मैडम, बारे में आप क्या कह रहे हैं? जी, स्टाफ नहीं है कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज आपने खोले हैं, 4th क्लास का कर्मचारी तक अभी नहीं है, 4 दीवारी तक नहीं है। एक और तो हम कहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएँ कराएंगे, इस तरह से होगी, सुरक्षा में होगी, लेकिन ये जो आपकी सुविधाएं हैं जो प्रारंभिक, वही हम नहीं दे पा रहे हैं, वो कब तक? अलंकार योजना के अंतर्गत जितने हमारे प्राचीन विद्यालय आ रहे हैं और जहां जिस जिस जिले से रिपोर्ट जा रही है उसके आधार पर उनको बजट देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उसमें निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वो बहुत धीमी गति चल रहे हैं और बहुत गुणवत्ता खराब है। आप बता रहे हैं तो उस पर मैं जांच करूंगी। मैं निकली हूं और मैं इन चीज़ों की जांच करूंगी और उसमें तेजी लाऊंगी। गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा और कार्य तेजी से हो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक ग्रेजुटी का मामला है मैम, जो बेसिक में लागू कर दिया, जो डेथ वाला है उसमें बेसिक में आपके डिपार्टमेंट में हो चुका, माध्यमिक में अभी नहीं हुआ है। तमाम कोर्ट में केस जा रहे हैं, अधिकारी हर दूसरे दिन हाई कोर्ट में तलब किए जा रहे हैं उसको लेके, तो उस पर भी सरकार कुछ विचार कर रही है? ये नीतिगत विषय है, जब होगा तो बता दीजिए। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।